السلام علیکم، میرا نام ہے عزیز الرحمن۔ ٹیکنیکل ویڈیوز کی طرف سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ہم پلائنگ ویڈیو میں ہم ایفیکٹس کیسے ڈال سکتے ہیں۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بغل میں جو بیل کا بٹن ہے اسے دبا دیجیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ لوگوں تک جلد جلد پہنچ سکے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک ایسی ویڈیو شروع کرنی ہوگی جب آپ کیمرے سے ہٹ جاتے ہیں تو کیمرے کی پوزیشن کو اوپر کی طرف لے لے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایک ایسی ویڈیو شروع کرنی ہوگی۔ پہلے تو آپ لوگ کیمرے کی پوزیشن اوپر کی طرف ہوگی، اس کے بعد آپ لوگوں کو نیچے کریں گے اور ایسا جمپ کریں گے۔ چلیے ہم ویڈیو کو سٹاپ فلاش کے نشان پر کلک کریں گے اور ایم ٹی پروجیکٹ پر کلک کریں گے۔ یہاں پر ہم پہلی والی ویڈیو کو سلیکٹ کریں گے، ہم نے پہلی والی ویڈیو کو سلیکٹ کر دیا ہے۔ اب ہم اس ویڈیو کو یہاں پر لائیں گے جہاں پر ہم جمپ کرتے ہیں، ہم اسے زوم کریں گے، جہاں پر ہم نے پورا جمپ کیا ہے یہاں پر ویڈیو پر کلک کریں گے، اور یہاں پر آ کر اسکیپچر آہری آپ کو نشان دکھ رہا ہے کیپچر فریم اینڈ ایڈ ایز اے لیئر پر کلک کریں گے تو اس کا ایک پکچر بن جائے گا۔ اور اس کو کراپ کریے۔ کراپ کیسے کرنا ہے، میں نے پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے کراپ کی، جو آپ لوگوں کو سکھائے گا کہ ویڈیو کو کراپ کیسے کرنا ہے۔ تو پلیز آپ ڈسکرپشن میں جائیے اور وہاں پر آپ لوگوں کی ویڈیو ملے گی، آپ اسے دیکھ کر آپ اس پکچر کو بھی کراپ کریے۔ تو ہم نے اسے کراپ کیا ہے، ہم اسے لے لیتے ہیں۔ چلیے ہم اسے لیئر آل آپشن پر کلک کریں گے، امیج پر کلک کریں گے، یہاں پر ہم اس پکچر کو لے لیتے ہیں جو ہم نے کراپ کیا تھا۔ اب ہمیں اس کے اوپر فٹ کریں گے۔ اب ہم یہاں لاسٹ پر آئیں گے، اور یہاں پر جب ہم کیمرے سے ہٹ جاتے ہیں جب ہم کیمرے کی پوزیشن کو اوپر لیں گے تب ہمیں یہاں پر
वीडियो पर क्लिक करनी होगी। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आकर इस प्लेट एंड फ्लाइट पर क्लिक करनी होगी। पर क्लिक करने के बाद हम इस वीडियो को इसके आगे हम कट कर देंगे। इसके आगे हम इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दूसरे वाले ऑप्शन पर राइट वाले प्लेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को इस पिक्चर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे चाबी पर और इस वीडियो को लास्ट में ले जाएंगे। यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर एक डॉट रखेंगे और इस वीडियो को इसको ऊपर करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे और इसको वाइप करेंगे। हम इसे ओके करते हैं। हम इस वीडियो को देखते हैं कि कैसी हमारी वीडियो बन गई। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी वीडियो ठीक बनी। तो इसके बाद हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और आप बैकग्राउंड में आसमान की जो भी पिक्चर लेना चाहते हो लगा सकते हैं। मैं तो इस पिक्चर को लगाना चाहता हूँ, मैंने इस पिक्चर को सेलेक्ट कर दिया। अब जैसा मैं करता हूँ या इस वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जैसे मैं करता हूँ, आप लोग भी वैसा करें। अब हम इसे ओके करते हैं। और अब हमें एक ऐसी पिक्चर लेनी होगी। इस पिक्चर को भी हम क्रॉप कर देंगे। क्रॉप करने के बाद हम इस पिक्चर को इसके ऊपर लगाएंगे। तो चलिए हम लेयर पर क्लिक करेंगे, इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम उस पिक्चर को ले लेंगे। अब हमें साइड करेंगे और हम इसे शुरू तक ले जाएंगे। इस पर सेलेक्ट क्लिक करेंगे, इसको हम लेयर से बाहर करेंगे लेकिन थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे चाबी पर और हम इसे लास्ट में ले जाएंगे और यहाँ पर एक डॉट रखेंगे। अब हम इस वीडियो को यहाँ पर हम इसे आइप कर देंगे। अगर आप इसे थोड़ा ज़ूम करना चाहते हैं, यहाँ पर थोड़ा ज़ूम करिए और इसे कुछ इस तरह का रखिए। इस लाइन पर हम इसे रखेंगे। अब हम इसे गायब करते हैं। अगर आप थोड़ा रखना भी चाहते हैं लेकिन हमने यहाँ पर डॉट पीछे लगाया तो यह खुद बहुत गायब हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम इसे देख लेते हैं, यह कुछ इस तरह का आ गया। अब हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम इस पर क्लिक करेंगे ओरल एनिमेशन। यहाँ पर ड्रिफ्टिंग पर क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। चलिए हम इसे ओके करते हैं। यहाँ पर आप
उसके बाद आप लोगों को बादलों की पिक्चर लेनी होगी, वो भी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पिक्चर पर क्लिक करेंगे और यही बादलों की है उसे हमने सेलेक्ट कर दिया है। अब हम इसे इसका एक डुप्लीकेट लेंगे, यहाँ पर क्लिक करके डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने इसका डुप्लीकेट ले लिया है। अब हम इसे थोड़ा इसके आगे करेंगे, अब हम एक और डुप्लीकेट लेंगे इसका, उसको हम इस इमेज के पीछे की तरफ लेंगे। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ सेंड टू बैक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये उसके बैक पर हो गया। अब हम इसका एक फोटो डुप्लीकेट लेंगे, तो हम थोड़ा बड़ा करेंगे और यहाँ पर हम इसे आगे करेंगे। अब हम इसे प्ले करते हैं की एडिटिंग थी वो आधी पूरी हो गई है। अब हम जो हमारा लास्ट का वीडियो था हम उसे ले लेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। को सेलेक्ट करने के बाद हम जब हम कैमरे को नीचे करेंगे तब हमें वीडियो को काट देना है। हम वीडियो को आगे लेंगे, जब हम जंप करते हैं पूरा तो यहाँ पर हम इसका उसी तरह पिक्चर लेंगे और इसको उसको क्रॉप करेंगे। और मैंने क्रॉप किया है तो आप लोग भी उसे क्रॉप कर दीजिए। हम अब मैं उसे सेलेक्ट करता हूँ, पीछे की तरफ से काट लेंगे। जाएगी आप यहाँ से इसे यहाँ पर क्रॉप करिए, इसकी टाइमिंग ठीक होना चाहिए। और यहाँ पर हम जब ये ऊपर से आ रहा है तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर मिशन वाले ऑप्शन पर, उसी तरह हम इसे ऊपर करेंगे और इस कलर थोड़ा देखना चाहिए। इसको हम अब लास्ट में लेकर जाएंगे और लास्ट में डॉट रखेंगे।
इसको हम नीचे की तरफ ले कर आएंगे। यहाँ पर एक डॉट रखेंगे, इसको हम नीचे लाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, लगाने के बाद हम इसे ओके करते हैं। अब हम इसे प्ले करते हैं। अब यहाँ से हम इसका टाइमिंग ठीक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे, आसान तरीका है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम नीचे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसके आगे वाली वीडियो को काट देंगे, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो अगर आप लोग इसे थोड़ा स्लो भी करना चाह कर सकते हैं, तो अब आप लोगों की वीडियो बन चुकी है। अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। और इसके बगल में जो बेल का बटन है उसे दबा दीजिए, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके और आप लोग ऐसी वीडियो